इट इज़ फाती। आज हम इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई को देखेंगे। हायर डिमांड लीड्स टू हायर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड हायर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जैसे हमारा डिमांड क्या होता है, अगर हाई होता है तो हमारी प्राइस भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाती है, वो भी हाई ही रहती है। ठीक है, इसको हम ज़रा ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। जब हमारा डिमांड डी था, एस था, तो हमारा जब ये दोनों इक्विलिब्रियम पे मिल रहे थे, तो हमारे उस टाइम प्राइस कितना था, पी नॉट था, और क्वांटिटी कितनी थी, क्यू नॉट थी। जैसे ही हमारा जब हमारा डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, यानी इंक्रीमेंट हुआ, डी डैश हो गया, तो हमारी प्राइस कितनी हो गई, मतलब जिस पॉइंट पे वो मीट किया सप्लाई कर्व से, तो उसमें हमारी प्राइस कितनी हो गई, P1 हो गई और Q1 हो गई। तो यानी इसमें देख रहे हैं कि हम प्राइस में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, और क्या हो रहा है, क्वांटिटी में भी क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसमें हमने देखा कि जब हाई डिमांड होती है तो हमारा क्या होता है, प्राइस भी इंक्रीज़ कर जाता है और क्वांटिटी भी इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक अगर आप टमाटर खरीद रहे हैं मार्केट में, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसकी प्राइस भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और आप क्वांटिटी भी, आप उसकी मतलब जो प्राइस ज़्यादा है तो आप फ़ायदा लेने के लिए आप उसको ज़्यादा खरीदना चाहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हायर सप्लाई लीड्स टू लोअर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड हायर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। जैसे ही हमारा जो हमारा सप्लाई होता है, अगर वो हायर होता है, तो हमारी प्राइस कितनी हो जाती है, उसकी लोअर प्राइस हो जाती है, और क्वांटिटी इक्विलिब्रियम जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, इसको ग्राफ के माध्यम से हम देखते हैं। हमारा डिमांड डी पे सप्लाई क्या था, एस था, तो हमारा जब ये दोनों मीट किए जिस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, तो उसमें हमारा प्राइस क्या था, पी नॉट था, एंड क्वांटिटी क्या था, क्यू नॉट था। ठीक है, जैसे ही हमारा ये सप्लाई बढ़ गया, सप्लाई इंक्रीज करके एस से एस नॉ एस डैश हो गया, तो हमारी प्राइस कितनी हो गई, पी वन और क्यू वन हो गई। ठीक है, तो यानी ये शिफ्ट कर रहा है, यानी इंक्रीमेंट इसमें दिख रहा है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ है मार्केट में, उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हैमबर्गर है, तो उसकी उसकी सप्लाई क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो उसकी प्राइस क्या होगी, कम होगी, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको खरीदना चाहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। इसमें क्या होगा, लोअर डिमांड लीड्स टू लोअर प्राइस एंड लोअर क्वांटिटी एक्सचेंज। जैसे कि हमने देखा था कि जब हमारी डिमांड क्या थी, ज़्यादा थी, तो लोग हाई प्राइस रख, मतलब हाई प्राइस था, और क्वांटिटी मतलब जो आप इक्विलिब्रियम था वो भी क्या था, हाई था। तो इसमें क्या होगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी, लोअर डिमांड मतलब लोअर जैसे डिमांड होगा वैसे लोअर प्राइस होगा, और क्वांटिटी एक्सचेंज भी क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा सप्लाई कर्व एस था, तो हमारा डिमांड कितना था, डी था। जब जिस पॉइंट पे सप्लाई कर्व से मीट करे, तो उस पॉइंट पे हमारा प्राइस कितना था, पी नॉट, और क्वांटिटी क्यू नॉट थी। ठीक है, अब जैसे ही हमारा लोअर डिमांड यानी कम हुआ, तो हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट करेगा लेफ्टवर्ड की तरफ, तो उसमें डिमांड कितना हो जाएगा, डी डैश हो जाएगा। तो जब डी डैश सप्लाई कर्व से मीट किया जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, प्राइस पी वन और क्यू वन हो जाएगा। यानी आपकी प्राइस में क्या हुआ, डिक्रीमेंट आया, यानी कमी आई, और क्वांटिटी में भी क्या हुआ, कमी आई। ठीक है, तो ये आपका लोअर डिमांड का एक इफेक्ट है ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी एक्सचेंज पे। अब नेक्स्ट हमारा है, लोअर सप्लाई लीड्स टू हायर प्राइस एंड लोअर क्वांटिटी एक्सचेंज। जैसे कि हमारा सप्लाई अगर मार्केट में लो हो जाता है, तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, यानी प्राइस हाई हो जाती है, लोअर क्वांटिटी एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, डिमांड हमारा क्या है, डी है, एस है, जब ये दोनों मीट कर रहा है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे हमारा प्राइस कितना है, पी नॉट है, और क्वांटिटी कितनी है, क्यू नॉट है। ठीक है, जैसे ही हमारी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, कम होने का मतलब ये क्या है, ये आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट गया कर गया, मतलब अपवर्ड के साइड में लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर गया। तो हमने देखा जब जब ये एस डैश हो गया, यानी जो एस सप्लाई कर्व था वो क्या हो गया, एस से एस डैश हो गया, तो उस टाइम पे हमारा जो सप्लाई कर्व डिमांड कर्व से मीट कर रहा था जिस पॉइंट पे, उस समय उस पॉइंट पे हमारा प्राइस क्या हो गया, पी वन, और क्वांटिटी कितनी हो गई, क्यू वन हो गई। तो हमने देखा कि प्राइस में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट आ रहा है, पर हमारी क्वांटिटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो ये इफेक्ट हो गया किसका, लोअर सप्लाई का, किस पे, प्राइस पे और क्वांटिटी एक्सचेंज पे। तो हमने ये देखा कि हमारा जब डिमांड ज़्यादा था, जब हमारी डिमांड ज़्यादा थी, तो हमारा प्राइस भी क्या था, ज़्यादा था, और क्वांटिटी एक्सचेंज भी क्या था, ज़्यादा था। वहीं पर हमारा हाई सप्लाई था, तो लोअर प्राइस थी, प्राइस क्या थी, कम थी, और क्वांटिटी जो आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थी वो भी क्या थी, हाई थी। मतलब इसमें बस सिर्फ क्या चेंज हो रहा था, लोअर प्राइस हो जा रहा था।
पर वहीं पर जो नेक्स्ट वाला पॉइंट हम देखेंगे, जब हमारी डिमांड क्या है लोअर है, तो हमारी प्राइस भी क्या होगी लोअर होगी, और क्वांटिटी एक्सचेंज भी क्या होगी लोअर होगी। वहीं पर हम सेकेंड वन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि लोअर सप्लाई अगर होगी तो हमारा प्राइस क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। यानी इस पे क्या, जैसे उसमें मतलब जब हाई था तो लोअर हो जा रहा था, तो इसमें क्या है लोअर है तो ये हाई प्राइस हो जाएगा, और हमारी क्वांटिटी क्या थी, क्वांटिटी एक्सचेंज क्या होती लोअर होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।